गुड मॉर्निंग एवरीबडी बेटा, कल आपने जो सिंथेसिस नामक जो टॉपिक था उसमें जो पहला जो प्रकार था वो आपने पढ़ा था। पहला जो प्रकार था उसमें आपने देखा कि जो प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है यानी कि पार्टिसिपल का जो प्रयोग करके वो अपन करते हैं। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसमें क्या था कि वर्ब के क्या लगाने से, आईएनजी लगाने से वो वाक्य हमारा बन जाता है। पास्ट पार्टिसिपल था उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल था इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब जो इसमें जो दूसरा जो प्रयोग है, दूसरा जो प्रकार है वो है, पहला तो था पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके अपन सेंथेसिस का जो वाक्य है उसको पूरा करते हैं। तो इसमें जो दूसरा जो प्रकार है वो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। दूसरा जो है हमारा वो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। जो क्रिया है उस क्रिया में टू जोड़ देंगे, और मैंने कई बार बताया भी है कि टू एक इन्फिनिटी वर्ब है और टू के बाद हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वही टू है जिसका अपन कई बार जिक्र कर चुके हैं, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो इन्फिनिटिव है इसमें क्या करेंगे, क्रिया में टू जोड़ करके इन्फिनिटिव बनाया जाता है। यदि इसका हम उस वाक्य का हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में अर्थ निकालते समय जो क्रिया है उसके अंत में क्या आएगा, ना नी और ने, ये शब्द आएगा। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल देखते हैं भैया, ठीक है ना। जैसे ये एक हमारा वाक्य है, ठीक है ना, ही टुक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल द मैन। इसमें अपन इन्फिनिटिव का प्रयोग करके यानी कि टू का प्रयोग करके अपने को ये जो दो वाक्य हैं उनमें क्या करना है, एक वाक्य का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या देगा, पहला जो वाक्य वो कैसा कैसा देगा, ही टुक ए नाइफ टू, अब टू यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके आगे लिख देंगे टू किल द हैन, ठीक है, ये हमारा वाक्य होगा। तो इस प्रकार से अपन टू इन्फिनिटिव है उसका प्रयोग करके वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे जो सेंटेंस है वो देख लो,
इसमें अपने को टू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या जाएगा पहला सेंटेंस, तो ऐसा कैसा जाएगा, तो क्या जाएगा आई एम लिविंग फॉर, अब देखो क्रिया से पहले टू लगा, तो यहां पर तो क्रिया से पहले टू दे ही रखा था, टू दे ही रखा था। अब अगर नहीं दे रखा है तो क्रिया से पहले टू लगा देंगे, तो क्रिया दूसरे सेंटेंस में क्या है लीव, इससे पहले लगा देंगे, तो इससे पहले टू लगा देंगे क्योंकि नियम में आ रहा है टू जोड़ करके, ठीक है ना, तो टू लगा दिया, ठीक। अब टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो लीव और दे, ठीक है भाई। He wants to study. He has gone to Jaipur. अब देखो यहाँ पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ यही है, यहाँ पर भी टू की बात क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर जो ऑब्जेक्ट वाला जो भाग है उसको पहले ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पर ही वांट्स ये भी वर्ब होगी और ये भी वर्ब होगी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट वाला जो भाग है उसको पर पहले लेंगे, ये जो सेंटेंस है इसको पर पहले लेंगे, क्या जाएगा ही हैज गॉन टू जयपुर। अब देखो यहाँ पर टू दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा था, यहाँ पर नहीं दे रखा था, तो जिस सेंटेंस में अगर टू नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर अपन टू का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर दे रखा है तो क्या जाएगा टू स्टडी, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा दूसरा जो प्रकार था कि वाक्य में टू प्लस इन्फिनिटिव यानी कि टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करके अपने वाक्य को क्या करते हैं पूरा करते हैं, और इसमें हिंदी का अर्थ निकालने पर इसके अंत में ना नी ने आदि आता है। अब जो इसके आगे हमारा जो तीसरा जो प्रकार है वो करते हैं भाई अपन, इसमें जीरण या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जो नियम नंबर तीन है अपना वो है जीरण या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। जीरण या जो नाउन होता है उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे।
जीरण बनाने के लिए जो बल्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें अपन किसका उपयोग कर देंगे, आईएनजी का। तो जिसके भी बल्ब के आईएनजी लग रही है वो हमारी क्या कहलाती है, जीरण कहलाती है। और नाम तो है ही, इससे पहले अपन प्री पोजिशन का उपयोग कर देंगे। प्री पोजिशन भाई कोई से भी हमारी बहुत सारी प्री पोजिशन है, उनका उपयोग करके अपन वाक्य को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। जीरण बनाने के लिए, जीरण अपने को बनाना कोई अभी तो यहाँ पर है जीरण या नाउन से पहले, ठीक है ना। यानी कि जिस भी वर्ब की आईएनजी लग रही हो वो हमारा जीरण है और नाउन तो है ही भाई हमारा, ठीक है ना। तो इससे पहले अपने को किसका उपयोग करना है, प्री पोजिशन का उपयोग करना है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है ये कैसा कैसा आ जाएगा, सीता बोट ए पैन, ठीक है ना। अब अपने को यहाँ पर प्री पोजिशन का उपयोग करना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी पेन की जो कीमत है वो आ गई 5 रुपीज, तो अपने को यहाँ पर 5 रुपीज लिखना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4 5 रुपीज, ठीक है। क्योंकि ये जो सीता है इसके लिए सी आया है, देव तो दिया ही इसके लिए। इसकी जो किसी वस्तु की जो कीमत होती है उस कीमत के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, 4 का उपयोग करते हैं। आ जाएगा सीता बोर्ड ए पैन 4 5 रुपीज। दूसरा है भाई हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं भाई, ठीक है ना। ही गेव मी एडवाइज और ही आल्सो हेल्प्ड मी, दो कार्य तो पहले भी थे लेकिन इसमें कह रहा है कि उसने मुझे सलाह दी और उसने मेरी सहायता भी की। यानी कि सहायता करने के अलावा उसने मुझे सलाह भी दी, या सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की। देखो यहाँ पर इस तरीके के वाक्य में अपन क्या करते हैं, जो हमारा प्रीपोजिशन है वो पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। पहले लिखेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर बिसाइड्स, बिसाइड्स। अब जीरण में क्या लगाने से आई ना वर्ब में आए फर्स्ट फॉर्म क्या है, जीरण लगाने से क्या हो जाएगा, जीरण बन जाएगा। तो यहाँ पर बिफोर गिविंग मी एडवाइस ही आल्सो हेल्प और मी, बिसाइड गिविंग देने के अतिरिक्त देने के अलावा मी मुझे एडवाइस सलाह ही आल्सो हेल्प मी, उसने मेरी क्या की सहायता भी अगला जो हमारा उदाहरण है वो है भाई आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, आई कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, मैंने मेरा सबसे अच्छा प्रयास किया, इस आई कुड नॉट पास द एग्जाम,
लेकिन फिर भी मैं पास नहीं कर सका एग्जाम को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देगा, इंस्पायर माई बेस्ट एफर्ट, इंस्पायर ऑफ माई बेस्ट एफर्ट, यानी कि बहुत अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी या बहुत अच्छा प्रयास करने के अतिरिक्त भी, इंस्पायर ऑफ का मतलब होता है के अतिरिक्त के बावजूद, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं कॉमा लगा करके आई वुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो हमारा तीसरा जो नियम था, जिरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके अपन किसका प्रयोग क्या बनाते हैं, सेंथेसिस बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो अपने को दो तीन प्रकार के उदाहरण दिए मैंने, ठीक है ना। कीमत हो, कीमत से पहले अपन टू का प्रयोग, फोर के प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। और यदि दो वाक्य हैं और उसमें अगर दोनों में अगर एक व्यक्ति ही कोई काम कर रहा है, सलाह दे रहा है या वो कोई परिणाम आ रहा है, तो वहाँ पर भी अपन, यानी कि यहाँ पर अपने को जो प्री पोजिशन है वो यहाँ की क्या है, मेन चीज़ है। अब इसमें जो अगला जो नियम है वो बता देते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लास्ट इसमें जो हमारा चौथा जो नियम है हमारा, वो है हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग जो दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में किसी ऐसे विशेषण का उपयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में
नाउन के पास रखकर साधारण वाक्य बनाते हैं। देखो भाई, हमारा जो इस टॉपिक का जो लास्ट जो नियम है वो है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। इसमें क्या है, एडजेक्टिव का मतलब ही विशेषण होता है। जब दोनों वाक्यों में से, जैसे दो वाक्य आएंगे, उन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, भाई दोनों वाक्य हैं, दो वाक्य आएंगे, उसमें कोई सब जरूरी नहीं है कि पहले सेंटेंस में हो या दूसरे सेंटेंस में हो, ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है, मतलब ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है ना। वह पहले सेंटेंस में किया गया हो या दूसरे सेंटेंस में, ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो जो किसी वाक्य किसी संज्ञा की क्या बताता है, विशेषता बताता है, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य, जो मुख्य वाक्य होता है उसमें नाउन के पास रखकर साधारण वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा इसका जो लास्ट है वो टॉपिक है, बना इसके एग्जाम्पल दे दिए। दो वाक्य हैं, ए बॉय केम टू माय ऑफिस और दूसरा है द बॉय वाज ब्लाइंड। इसमें पहला जो वाक्य है, इसमें जो संज्ञा है या विशेषण है उसकी विशेषता क्या है, देखो द बॉय तो आ गया, इसकी बॉय की विशेषता क्या है, ब्लाइंड, ठीक है ना। तो इसमें क्या बता रखा है कि उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर, नाउन क्या हुआ हमारा, ए बॉय, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए ब्लाइंड बॉय, भैया हमारा नाम होंगे इसमें पास रखते हैं, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस, इसकी विशेषता होगी, ठीक है ना, और इसके पास रख दिया तो यहाँ पर इसका बोल जाएगा। राम गेव टेन टू बी टू ए मैन, द मैन वाज लेम, ठीक। यहाँ पर देखो इस व्यक्ति की विशेषता क्या है, लेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, राम gave 10 rupee to a lame man, ठीक है ना। इस आदमी को यहाँ पर देखिए क्या हो गया, हमारा नाम हो गया, इससे पहले रख दिया ए लैम मैन, तो राम gave 10 rupee to a lame man, लैम हो गया लंगड़ा, राम ने एक लंगड़े आदमी को 10 रुपए दिए। पुलिस को ए थी दाखिल बात वेरी न्यूट्रियस, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, चोर क्या था, बहुत ही कुख्यात, यहाँ पर विख्यात नहीं आ सकती क्योंकि कोई भी जो बुरी चीज़ होती है वो कभी विख्यात नहीं होती, वो हमेशा कुख्यात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा
द पुलिस को ए। अब थीम कैसा है? वेरी म्यूटियस, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेरी न्यूक्लियस। पुलिस ने एक बहुत ही जो कुख्यात जो चोर था उसको क्या किया? पकड़ा। तो भाई इस तरीके से जो हमारा ये जो सिंथेसिस जो नामक टॉपिक है वो क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। इसकी आपके जो पासबुक वगैरह में जो एक्सरसाइज दे रखी हैं वो आप इसमें से निकाल लेना, जो भी कोई दिक्कत आए तो आप उसको पूछ लेना, ठीक है ना। अब अपने दो टॉपिक बन रहे हैं, एक तो है हमारा फ्रेजल वर्ब और एक है हमारा प्रीपोजिशन। तो बेटा मैंने आपको क्लास में भी इन्फॉर्म किया था कि जो फ्रेजल वर्ब है उसका आज तक कोई नियम नहीं बना है, ठीक है ना। इस टॉपिक को खैर मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रेजल वर्ब को आप अपनी पासबुक में से भी याद कर सकते हो, उसमें से लिख भी सकते हो, ठीक है ना। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन करवाएंगे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक प्रीपोजिशन। और ये जो प्रीपोजिशन है ये आपका पढ़ा हुआ भी है, क्योंकि छठी सातवीं आठवीं नौवीं क्लास में जो टॉपिक है ये आता है, तो कुछ तो आपका पढ़ा हुआ और कुछ यहाँ पर पढ़ा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।